करें, कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए हैं, तो क्या आपने कुछ बाहर से स्ट्रैटेजी बनाई है कि इन सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें एलपी शाह थे और अभिषेक आए थे, तो कहीं ना कहीं जो जिसने स्टार्टिंग से जर्नी की थी, तो कहीं ना कहीं जो मेन पर्सन था एलपी वाइकर एंट्री मारकर जीत गया, जीत गया। मनीषा रानी भी उससे काफ़ी कॉमेडी की थी यार, उन्होंने शो जीता या नहीं जीता, और उन्होंने ऑडियंस का दिल तो बहुत जीता है, और आई गेस वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है ऐसा। अब जैसे मेरे को ट्रॉफी जीतनी है, मतलब मैं तो पूरी कोशिश करूँगा ट्रॉफी जीतने की, और जीतना ही है, बट उससे बड़ी चीज़ अगर कोई है मेरे लिए तो वो है जनता का प्यार। जनता का प्यार सब सब कुछ है। और यार मेरे को नहीं लगता कि ये वाइल्ड कार्ड ठीक है, सबकी नसीब में जो है, आपने अच्छा खेला, आपको लोगों ने पसंद किया, खत्म बात। देखो एंटरटेन तो मैं करूँगा ही, क्योंकि वो मेरा पेशा है एंटरटेन करना लोगों को, बट झगड़ा यार मतलब मैं इंटेंशनल झगड़े, गलत थिंकिंग है। लोग बहुत लोग होते हैं जो जान मुझ के झगड़ा करते हैं, जान मुझ के, वो सब नहीं करना है मुझे। अफेयर्स करते बट ऐसा है कि मेरा मुद्दा है, वाकई में सही में मुद्दा है, तो मैं आपको वहाँ पे खड़ा हुआ दिखूँगा। कोई इंसान आके फालतू मेरे साथ फुटेज के लिए सब कर रहा है, तो भाई सॉरी, मैं उसको एंटरटेन नहीं करने वाला, मतलब चल निकल, मेरे नाल मत लग तू। और बट हाँ, कोई सही में कुछ मुद्दा है, सही में किसी को कुछ बुरा लगा है, मेरा कुछ स्टैंड है या कुछ हो रहा है, तो वो फिर ठीक है। और जहाँ तक अफेयर की बात है, तो यार ये मेरे को नहीं समझा ये चीज़, जो मैं बिल्कुल मन से जा ही नहीं रहा हूँ कि मुझे अंदर लव अफेयर करना है, सही में नहीं करना है, क्योंकि मेरी बारी मेरी मम्मी लाएगी, मेरी मम्मी भी बहुत क्लियर है इस चीज़ पे। बट देखते कुछ अगर कनेक्शन बना या फिर जो भी है, मैं गो विद द फ्लो, मतलब ऐसा जो है नेचुरल होगा, और मैं अगर ऐसा हुआ भी तो मैं बोलूँगा हम इस चीज़ को जैसे भी हम बाहर देखेंगे, अभी नहीं, अभी भले हम एक दूसरे को पहचानेंगे, क्योंकि वो टाइम ऐसा रहता है कि हम साथ में रहते हैं, बाहर निकल के सिनेरियोज अलग हो जाते हैं, हम अलग अलग अपना काम करते हैं, तो उस उधर ज़्यादा मैटर करता है। तो लेट्स सी, क्या ग्रुप बनाकर आप खेलने वाले हो या फ्रेंडशिप बनाकर, क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप हमने देखी थी चिंगाड़ा, तो वहाँ पर भी कोई फ्रेंडशिप बन पाएगी आपकी, क्या है आपके इरादे? अरे मेरे इरादे तो ऐसा सच कुछ है ही नहीं, मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं हूँ कि नहीं यार मैं अकेले खेलूँगा, नहीं यार मैं दोस्तों में खेलूँगा। कैसा अगर जो कनेक्शन बना तो बना है भाई, फिर दोस्त है तो दोस्त है, मेरे लिए खड़े, मैं मेरे जितना खड़ा रहूँगा उतना मेरे दोस्त के लिए खड़ा रहूँगा, खत्म बात है। लेकिन ऐसा एक स्टैंड लिया हूँ मैंने, या फिर ऐसा कुछ मेरे डिसीजन है जो लोगों को नहीं सहमत लग रही है, अगर सब उसको बोल रहे हैं गलत है, तो मैं बस सोचूंगा कि अच्छे गलत है, अगर फिर भी मेरे को सही लग रहा है तो फिर भले, फिर मेरे घर खिलाफ़ है, मेरे को अकेले फिर खेलने में कोई तकलीफ नहीं है। ओके, अगर हम बात करें जैसे कि आप वहाँ पर खाना खुद बनाना पड़ता है, बर्तन खुद धोने पड़ते हैं, साफ सफाई खुद करने पड़ते हैं, ये करने के लिए कितने तैयार हैं या घर पे आप करते थे इस तरह के काम? करता तो नहीं था, लॉकडाउन में थोड़ा बहुत किया था, फिर थोड़ा बहुत अभी अपना मील बना लेता हूँ मैं, बाकी तो लेट्स सी। तो कुछ बना पाते कि चपाती, दाल, राइस, कुछ अगर आप बता सके तो? मैं पनीर वनीर ग्रिल कर लेता हूँ, फिर और सैंडविच बना सकता हूँ, फिर मैं वो दलिया वाली खिचड़ी बना सकता हूँ, ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें। कुछ बताएंगे दलिया की खिचड़ी कैसे बनाते हैं, वो बता दीजिए। दलिया की खिचड़ी कुछ नहीं, कढ़ाई में घी डालना, उसमें दलिया, पहले आपको दलिया बॉईल करना है, फिर उसको डाल के, या तो बॉईल मत करो, घी में डाल के उसको भून लो, उसमें टमाटर कांदा वो सब डालो, थोड़ा पानी डालो, मसाले डालो, भेजो, रेडी है। ओके, अगर हम बात करें जैसे कि हमने सब कुछ बात कर ली है, कोई कंटेस्टेंट है याद आपको, क्या हम इसने बहुत अच्छा खेला हो या आपने जिसको सपोर्ट किया हो पिछले सीजन में? मैंने पिछले सीजन में तो हमें दिल से मैंने अभिषेक और मुनावर को सपोर्ट किया था, बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि दोनों मेरे दोस्त हैं, और मेरा ऐसा था कि जो भी जीते, और कितना अच्छा रहा, मेरे दोनों दोस्त ही फाइनलिस्ट बने थे, तो जो भी जीते अच्छा है, बट सिद्धार्थ शुक्ला इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट, उनके जैसा कोई नहीं खेल सकता है, और ना कोई आया आज के तक कंटेस्ट, और मेरे को लगता भी नहीं कोई आएगा, लेवल अलग है भाई बंदे का। ओके, आपका सवाल आपसे पूछूंगा भाभी की तरफ से क्या आया, समीक्षा की तरफ से क्या, आपके दो फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड की तरफ से क्या आया है? बहुत खुश है वो लोग बोले कि यार तिंतिगाड़ा में से कोई बिग बॉस जा रहा है, दे आर एक्साइटेड, उनको भी ऐसा, सबको इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि शिट ऐसा कुछ देखेंगे हम, तो
टच हो जा रहा है, देखेंगे कि नहीं, मतलब सपोर्टिव करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, मतलब टाइम निकालेंगे कि नहीं। अरे अरे अब दोस्ती की है हमने तो हम लाइबल भी है ना उस चीज़ के, फिर करनी पड़ेगी। ओके, आप कितना अपने फैन से आप करेंगे? फैन से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि गाइस आप लोग ने मुझे ये जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई है अभी, आप लोग के बदौलत ही मैं पहुँचा, आप लोग के बिना मैं नहीं पहुँच पाता। तो मेरी बस आप लोग से इतनी दरख्वास्त है कि जैसे आप लोग ने मुझे ज़िंदगी भर प्यार दिए हो, मेरे हर चीज़ में मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सराहा है, मैं इतना चाहता हूँ कि आप मुझे इस टाइम भी उतना ही प्यार दो ताकि हम ट्रॉफी जीत सकें और मैं आपके पास ट्रॉफी ला सकूँ और आप लोग को मैं बहुत प्राउड कर सकूँ। थैंक यू। थैंक यू।